हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एट 2017। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड सॉल्व द सेवेंथ क्वेश्चन। सो रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ अ मीडियम क्वालिटी मैंगोज इज हाफ दैट ऑफ गुड मैंगोज। ओके, अ शॉपकीपर बाइज 80 kg ऑफ गुड मैंगोज एंड 40 kg मीडियम क्वालिटी मैंगोज। मीडियम गुड, ओके, देन सेल्स ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस, ओके, विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। ओके, सो ओवरऑल प्रॉफिट इज हाउ मच। सो यहाँ पे कुछ केजीस में दिए हैं वैल्यू और परसेंटेजेस में भी है। सो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल अज्यूम करते हैं। हाँ, वेरिएबल अज्यूम करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इंटीजर वैल्यू अज्यूम करने से बन सकता था क्वेश्चन या नहीं। सो पहले वेरिएबल अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हाँ इंटीजर पे सॉल्व हो सकता था कि नहीं, देन आप इंटीजर पे सॉल्व कर लेना। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट मीडियम क्वालिटी मैंगो प्राइज इज हाफ गुड क्वालिटी मैंगो गुड मैंगोज। सो लेट्स सपोज गुड मैंगोज मीडियम क्वालिटी मैंगोज। सो द प्राइज ऑफ गुड क्वालिटी मैंगोज इज लेट सपोज 10x। सो मीडियम क्वालिटी मैंगोज हाफ ऑफ 10x, सो 5x। नाउ शॉपकीपर बाई 80 kg ऑफ गुड मैंगोज। सो 80 kg एंड 40 kg ऑफ मीडियम 40 kg। सो गुड क्वालिटी मैंगो के लिए शॉपकीपर कितना पे करेगा? 80 kg है, 10x रेट है, सो 800x। शॉपकीपर पे 800x फॉर गुड मैंगो, एंड फॉर मीडियम क्वालिटी मैंगो 40 kg एंड 5x रेट, सो हाउ मच? 20x। सो नाउ कस्टमर पे टोटल 1000x फॉर बोथ गुड क्वालिटी एंड मीडियम क्वालिटी मैंगो। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ही सेल्स ऑल दीज। ऑल दीज मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगो हाउ मच? 80 प्लस 40 इज 120। टोटल शॉपकीपर बॉट 120 kg ऑफ मैंगो। सो ये टोटल 120 kg मैंगो वो कॉमन प्राइस पे बेच रहा है, जो कि है 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बॉट द गुड वंस। मीन्स गुड वंस 10x पे खरीद रहा है और उसपे 10% लेस करके सोल्ड आउट कर रहा है। सो 10% लेस 10x पे कितना होगा? 9x। 10% इज वन, लेस बोल रहा है, सो वन सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 10x, सो 9x। तो सेलिंग प्राइस पर केजी 9x, 120 9x, सो हाउ मच? 12 नाइन जा 108, सो 108 0x, सो 1080 1080x में उसका टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? सो कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस इज सॉरी 1000 एंड सेलिंग प्राइस 1080, सो प्रॉफिट इज 80x आउट ऑफ 1000x इनटू 100, सो हाउ मच? 8% सो ऑप्शन बी। सो यहाँ पे हम लोग विदाउट एक्स भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि एक्स अल्टीमेटली यहाँ पे कट डाउन हो जा रहा है। सो विदाउट एक्स लिए हम कोई इंटीजर वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते थे, नो नीड टू लेट अ वेरिएबल वैल्यू। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मतलब कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। सो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट। रीड करते हैं क्वेश्चन को। इफ फातिमा सेल्स 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट प्राइस ऑन प्रिंटेड प्राइस, ओके, देन सी मेक्स अ 20% प्रॉफिट। ओके, 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन द फायर व्हाइल सेलिंग द रेस्ट, मीन्स 50।
टेन था, सॉरी 60 था, 10 डिस्ट्रॉय हो गया, सो रिमेनिंग इज 50। 50 को सेल करने में हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवेन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट सी कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स 20% ही प्रॉफिट वो मेक करे, कब, जब उसका 10 प्लाय बर्न हुआ तब भी। अभी देखो यहाँ पे 40%, 20% परसेंटेज में ये 60, ये है ट्वाइस है, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दिस आइडेंटिकल ट्वाइस, सो बोथ यहाँ पे परसेंटेज है, सो हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, नो नीड टू एज्यूम इन वेरिएबल। सो लेट सपोज प्रिंटेड प्राइस पीपी 100, जो ट्वाय है उसका प्रिंटेड प्राइस 100 है, अब वो 40% का डिस्काउंट दे रहा है, -40%, और उस पे वो बेच रहा है, सो 40% का डिस्काउंट मतलब 60 पे बेच रहा है वो, तो सेलिंग प्राइस इज 60, टोटल 60 ट्वाय है, सो एक का सेलिंग प्राइस 60 है, सो 60 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल 60 का, 3600 मीन्स एक ट्वाय बेचने पे एक ट्वाय वो 60 रुपये में बेच रही है, सो 60 ट्वाय 3600 में बेचेगी, सो अब क्या बोल रही है, बोल रहा है क्वेश्चन कि 20% वो प्रॉफिट लेता है, मीन्स सीपी जो जितना है उसका प्रॉफिट है 20%, मीन्स सीपी इंटू 20 मीन्स हाउ मच, 1/5, तो 6/5 इक्वल टू 3600, मतलब सीपी जितना था उसमें 20% इंक्रीमेंट करेंगे तब सेलिंग प्राइस आएगा, तभी तो 20% प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस हमको पता है, सेलिंग जितना कितना टोटल कितना सेलिंग आया उसका 3600, सो यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं 600, सो सीपी विल बी 6530, सो 3000, सो टोटल सीपी 3000 आया, मतलब एक सीपी कितना होगा, एक का कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई 60, सो 6550, सो कॉस्ट प्राइस पर ट्वाय 50 रुपीज, और सेल कर रहा है 60 रुपीज में, सो 20% का प्रॉफिट, सिंपल वेरीफाई भी कर लिए, सही है मेरा यहाँ तक कैलकुलेशन। अब क्या बोल रहा है कि 10 ट्वाय डिस्ट्रॉय हो गए फायर में, सो रिमेनिंग इज हाउ मच, 50, 50 ट्वाय रिमेनिंग बच गया, अब बोल रहा है कि वाई सेलिंग द रेस्ट हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवेन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट सी कैन मेक अ सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मतलब 20% ही, और इन द सेंस की एक एक जैसे एक का सीपी यहाँ पे 50 है और एसपी 60 है, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, सो उसको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, इट मीन्स दैट जो सेलिंग प्राइस है वो मेरा सेम होने वाला है, सेलिंग जो टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है, सेलिंग प्राइस वो सेम होने वाला है, अब मतलब ये क्या कर रही है कि 50 भी वो 3600 में ही सोल्ड आउट कर रही है, एक कितना में बेचेगी वो फातिमा, एक कितना में बेचेगी, सो 3600 डिवाइडेड बाई 50, सो दिस 7 5 जा 35272, सो अब वो 72 रुपीज में एक ट्वाय को सोल्ड आउट करेगी, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया जाए, देखो ऑन प्रिंटेड प्राइस पे, देखो प्रिंटेड प्राइस 100 था और एक को सोल्ड आउट वो 72 रुपीज में कर रही है, अब जब उसका 10 ट्वाय डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 28 पे 72 बेच रही है, मतलब 28% का डिस्काउंट, वेरी सिंपल, सो आंसर इज ऑप्शन डी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड इफ यू लाइकिंग माई सॉल्यूशन देन प्लीज डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी करो कि आपको कहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, फीडबैक दे दो कि हाँ ये कैसा है क्या है, सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और 2017 प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का लास्ट क्वेश्चन है ये,
सो द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस कूल द नंबर ऑफ बॉयज ओके द नंबर ऑफ गर्ल अपियरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज ओके इफ 30% ऑफ गर्ल्स एंड 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन इज ओके वेरी इजी क्वेश्चन। अभी अभी आप लोग को समझ में कि यार ये क्या ही कैट में क्वेश्चन आया है, इतना इजी भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन ट्रस्ट में गाइज आते हैं क्वेश्चन इजी कैट में भी। बस ये माइंडसेट निकाल दो कि कैट में इजी क्वेश्चन नहीं आता है, आता है क्वेश्चन। सो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे सारे परसेंटेजेस में ही है, कोई वैल्यू एंड ऑल नहीं है, ये भी परसेंटेजेस ये भी परसेंटेजेस, और क्वेश्चन पूछा भी है परसेंटेज में ही। सो हम लोग वैल्यू एज्यूम करेंगे, वेरिएबल नहीं लेंगे। सो लेट सपोज बॉय 100 है, सो हाउ मच गर्ल, गर्ल ट्वाइस है, गर्ल्स ट्वाइस है नंबर ऑफ बॉयज से, सो 200। देखो 30% ऑफ गर्ल्स एंड 45% ऑफ बॉयज गेट एडमिशन, सो आउट ऑफ 200 30% एडमिशन मिला और रिमेनिंग 70% को एडमिशन नहीं मिला। तो 30% कितना होगा 200 का, तो 20 इज 10%, 30 सो 60, 60 गर्ल्स को एडमिशन मिला एंड 140 गर्ल्स डिड नॉट गेट एडमिशन। नाउ कम्स टू बॉयज पार्ट, सो इन बॉयज में 45% ऑफ द बॉयज गेट एडमिशन, मीन्स 45% ऑफ 100 हाउ मच, सो ये एडमिशन एंड नॉट गेट एडमिशन, सो 45 बॉयज गॉट एडमिशन एंड नॉट गॉट एडमिशन हाउ मच 55, 100 माइनस 45 इज 55। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना परसेंटेज कैंडिडेट हु डिड नॉट डू नॉट गेट एडमिशन, सो स्टूडेंट कैंडिडेट पूछ रहा है, मतलब बोथ बॉयज एंड गर्ल, सो 140 यहाँ पे 55 यहाँ पे, सो ये हो गया 195। 195 स्टूडेंट डिड नॉट गेट एडमिशन आउट ऑफ हाउ मच टोटल है ना, सो 300, ये 300 हो गया ना बॉयज प्लस गर्ल, टोटल में पूछ रहा है, सो आउट ऑफ 300 इंटू 100। अब ये 100 से ये 00 कैंसिल, ये 3 से कटेगा, 9 9 10 15 ओके कट जाएगा, ये 6 18 और 1 5 15, सो 65% स्टूडेंट डिड नॉट गेट एडमिशन, सो ऑप्शन डी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था एंड आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट करो, यहाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत है, मैं रिजॉल्व करने का ट्राई करूँगा और इवन तो कर ही दूंगा यार, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड, लाइक मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जितने लोगों को बेनिफिट हो वो मेरे लिए अच्छा ही है और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है कि हाँ वो उनको कुछ लर्निंग मिल रही है। सो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो फीडबैक वगैरह दीजिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें कुछ मिस हो रही है, ऐड करने की नीड है। सो एंड करते हैं सेशन यहाँ पे, सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।